क्योंकि मैं लो थी। और ये करते नहीं है यार आप, मैं इतना इतने को बोलती हूँ, मैं इधर थोड़ा उठाई कैमरा से बात करी, करते नहीं, करना नहीं चाहते, कर नहीं पाते। बहुत ज्यादा ठंड है वो यार। तो डाकू लग रहा है, डाकू डाकू कि मैं डाकू। ओ मैं डाकू, ये भी उठ के। ठंड नहीं डाली है तो क्या है, ठंड का बाप है। हाँ बाप भी दादा है, दादा है देख। हाँ वो अपना ब्लैंकेट निकाल के गिराई है, कब जब आप चले गए हैं गुस्से तभी। में, हाँ गुस्से में निकाल के गिराई है। कहाँ चले गए? हाँ 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 बेटा ऐसे नहीं करते ना। मेरा गुल्ला आजा, आजा बेटा। आपके जाने के बाद फिर खुलवाई है मेरे से दरवाजा। हाँ। और फिर लैट्रिन बाथरूम करके आई है क्या? सही में? हाँ हाँ मेरा गुल्ला। मैं तो रो रही थी, हम समझ नहीं पाए, हम सोचे कि ऊपर आने के लिए जिद कर रही है, फिर दाजा मार मार के रोई है। तुम खोले गई है, बाथरूम करी है, मर्च बाथरूम करने के लिए गई थी, फिर थोड़ा लैटरिन भी करके आई। हाँ मेरा बेटा खाना खाएगा, भूख लग गया। भूख लग गया बेटा। डांट खाई है ना। हाँ इसलिए अभी देर है, बस पापा आ गए ना, फटाफट फटाफट सारा काम करेंगे। देखो कितना प्रोटेक्टेड हो गया था, देखो तो सही। नहीं बहुत अच्छा हो गया थे ना, बोलना नहीं पड़ा। बाहर बारिश हो रही है। मुझे पता है उसकी बारिश है ना। हाँ वही तो, और किसकी बात, भींग ना जाता मतलब। ऐसा मुंह पे लग रहा है, ऐसा नाक ठंडा, तो पूरा बांध के मैं गया था। बहुत अच्छा है कि ऐसे करके गए थे। गर्मी लग रहा है, पसीना आ गया। नहीं नहीं ये तो चलने की वजह से पसीना है। तो चाय बनाता हूँ मैं, ठीक है? ओके 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 ओके। मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं सुबह सुबह निकल गया था आज काम से, फिर अभी आया हूँ। आने के बाद अंकिता थोड़ा सा फिर से डमाडोल ये सब चलता रहता है, थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बोला आप क्यों टेंशन लेते हो, आज जब मैं हूँ तो फिर काहे का फिक्र, कुछ ऐसा डायलॉग है ना, मैंने मार दिया, चिपका दिया। और उनको मैंने बोला नाश्ता करने के लिए, तो उन्होंने बोला नाश्ता भी नहीं करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने गैस का टैबलेट उनको दे दिया कि आप खा लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह खाना रहता है गैस का टैबलेट खाली पेट, और उसके बाद अगर नाश्ता करने का मन करेगा तो कुछ बना लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने, यह देखिए यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया फटाफट, क्योंकि मुझे भी बहुत काम है। और ये मैंने अपना बनाया है चाय, तो बोले आप नहीं पियोगे, मैं तो पीऊँगा चाय, तो मैंने अपना चाय, और जितने दूध पे मलाई थे ना दोस्तों वो चट कर गया मैं। और देता हूँ, कहाँ गया डार्लिंग, कहाँ गया? कौन? भूत। अरे हम इनको बादाम देने के लिए ना धो धा के वॉशिंग मशीन पे निकाले थे, ये लीजिए, इसको तो खा सकती हो ना। हाँ, ये है मेरे डार्लिंग। अच्छा नहीं लगा, नहीं खाना तो पड़ेगा, खा लूंगी दोस्तों। नहीं ये तो खाना है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए ये चल रहा है ब्लोअर स्पेशली फॉर कुकी, क्योंकि वो अभी नीचे है, उसको खाना पीना मिलना है, तो हम लोगों ने ऐसा टर्न करके ऐसे चला दिया है ताकि जहाँ वो बैठती है वहाँ पे उसको बढ़िया से हवा मिले, क्योंकि आज काफ़ी ठंड है। बच के रहिए, अच्छे से रहिए, बहुत आज सबसे ज़्यादा ठंड वाले दिन एक था 25 दिसंबर था या 1 जनवरी था, ऐसे ही कुछ था, और एक आज, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपर से बारिश हो रही है बूंदी बूंदी, तो ठंड से बच के रहना। तो कुकी के लिए हम लोगों ने इधर से ब्लोअर चला दिया ताकि ये यहाँ पे उसको मज़ा आता, जहाँ ब्लोअर चलता है वहाँ आराम से बैठ के इंजॉय करती है, तो हम बोले इधर की घुमा के चला देते हैं, तो थोड़ा बैटरी तो आराम से बैठी हुई देख सकते हैं, यहाँ पे कुकी आराम से है। तो चल फिर हाँ तो गर्माहट मिलती रहे, तो चल फिर के नाश्ता पानी भी करते। तो आप अपना बादाम खत्म करो, मैं अपना चाय खत्म करता हूँ, फटाफट मैं खाना बना के मैं फ्री होता हूँ। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। आज ठंड इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ठंड का मौसम है, और सुबह से आज अंकिता का थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने दोपहर में खाना पीना खिला के, दवा हुआ खिला के मैं चला गया था काम पे, फिर आया मैं, अभी भी वो पड़ी हुई है, डली है वो, तो फिर क्या करते हैं फ्रेश होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों, जैसा भी होगा वैसा मैं आपसे मिलता रहता हूँ। तो मैंने खाना चढ़ा दिया, और खाने में आज बन रहा मज़ेदार सांभर और चावल। अंकिता को आज मन था, उनको आज क्रेविंग हो रहा था कि सांभर खाते हैं, तो मैंने बोला ठीक है सांभर बना लेते हैं। और ये रही मेरी प्यारी सी डार्लिंग, ये रेस्ट कर रही है, नॉट फीलिंग वेल, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरा भी हाथ, इतना बर्तन अभी धोया, मेरा हाथ ऐसा जम गया कि काम ही नहीं कर रहा था कुछ देर तक, फिर ब्लोअर के सामने हाथ डाले तो फिर काम किया। तो दोस्तों खाना बनाते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं।
डार्लिंग आपका जो खाने का मन था वो मैंने बना दिया है। ये बना है गर्मा गर्म सांभर और चावल खाऊंगी क्योंकि मेरा अचानक से मन कर गया था सांभर चावल खाने का। मुझे अच्छा किया तुमने यार, नया टेस्ट मजेदार। हाँ ना, मजा आएगा सांभर चावल खा के आज। और प्याज काट दिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अच्छा किए। दिस इज योर, मैंने ड्रिंक बना के रख दिया था आधा घंटा पहले, ठंडा भी हो गया। ऐसा क्या? हाँ, ये ड्रिंक बना हुआ है। चलो अच्छी बात है। और ये हो गया। और एक मिस्टेक हुआ आज हम लोगों से दोस्तों। क्या? मैं बताता हूँ, ऐसे रखना। हाँ। ये मैं लाने गया था। हाँ। इनका प्रोटीन पाउडर खत्म हो गया था। डी क्या के बी आ गया। बी प्रोटीन ले आया, एक सेकंड रखना। ये है हमारा डी प्रोटीन, देख सकते हैं आप। और ये है बी प्रोटीन। हाँ। और मुझे जब फील हुआ तो मैंने डॉक्टर को मैसेज किया कि ऐसे बी प्रोटीन आ गया है, क्या इसको कर सकते हैं, इसको पी सकते हैं? डॉक्टर ने बोल दिया नो, कल चेंज करके ले आइएगा। हाँ, तो इसको चेंज करके लाना पड़ेगा। आज तुम्हारा पूरा ड्रिंक खत्म हो गया, कल लाना ही है। ओके ओके ओके। नहीं मिलेगा तो जान वो ले लेंगे। हाँ, नहीं मिलेगा तब वो ले लीजिए। वो मैंने देखा था उसके। ओके 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 ओके। लेकिन मिल जाए भगवान करे। यार भारी मिस्टेक हो गया, अगर मैं डॉक्टर से ये सलाह नहीं लेता, बोलता यार सेम ही तो है, पी लेते हैं। डॉक्टर ने साफ लिख दिया नो नो नो। ओके, चलिए दोस्तों, हम लोग का बेहतरीन वाला सांभर और चावल और इनका प्रोटीन ड्रिंक लग गया और हम लोग करने वाले फुल और इंजॉयबल। मैंने सांभर टेस्ट किया डार्लिंग, एक नंबर बना है। अब थिकनेस देख सकते हैं आप सांभर की, ये कितना बढ़िया थिकनेस है, मजेदार वाला। देख के भूख लगा, ये भूख बढ़ गई सांभर के नाम से, और मैं भूख से लगा। एक तो वैसे भी मुझे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन मतलब जो मुझे मन करे खाने का वो बन जाना तो मुझे भूख मुझे लग जाती है, ऐसा है मेरा। तो ये 15-20 मिनट से छटपटा रही थी कि जल्दी बना। मैं चावल चढ़ाया हुआ था क्योंकि उसी कुकर में मैंने बनाया, फिर बाद में चावल चढ़ाया, तो थोड़ा समय लग जाता अलग अलग करने में। क्योंकि आज क्या है, सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल लो थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो पूरे टाइम पड़ी ही रह गई। तो पूरे मैं ही सब कुछ करती, मतलब खाना वाना भी सब मैं ही वो करती, तो ये बिजी थे काम में। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं तो मुझे नहीं, मैं नहीं बना पाऊंगी। फिर फटाफट ये उठे अपना काम छोड़ के, फटाफट गए, दाल चावल फटाक से चढ़ा दिया उन्होंने। फिर शाम को आया तब भी देखे कि मैं वहीं पड़ी थी, मतलब दिन में भी वहीं पड़ी थी, दोपहर में वहीं पड़ी थी, देखा कि बस ये पड़ी हुई है। तब उनको समझ में आ गया कि अब ये काम मुझे ही करना है सारा। वो एक्चुअली दोस्तों ऐसा है ना कि प्रेगनेंसी का आप ना पल पल क्या होता है आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अभी ठीक लग रहा है तो 5 मिनट बाद अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, 10 मिनट बाद मूड कैसा होगा। तो इनका ये चलता रहता है, इसी में हम डिसाइड करते हैं कि भाई कौन बनाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, वो एट ए टाइम डिसीजन होता है। क्योंकि ये चीज़ मुझे समझ में आ गई कि कभी भी किसी वक्त भी खराब लग सकता है, तो हम हमेशा रेडी रहते हैं कि हम रेडी है, अब बस एक बार बोल दो, सिग्नल दे दो, सिग्नल कि आप नहीं कर सकती, तो मैं फटाफट जाके कर दूंगा। तो दोस्तों जब तक मैं था तब तक मैंने जो कोशिश किया अपनी तरफ से करने का थोड़ा सा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अरे ये बाबर ऐसे पीछे मुड़े थे, फ्लैश। ऐसा क्या? यस यस यस, हाँ, तो वहीं सामने ही रही है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। आज की खास एक्टिविटी नहीं हुई होगी क्योंकि मैं लो थी, और ये करते नहीं है यार आप, मैं इतने को बोलती हूँ, मैं थोड़ा उठाई कैमरा थोड़ा बात करी, करते नहीं, करना ही चाहते, कर नहीं पाते हैं, मतलब क्या बोलूँ, तुम बोलो ना अभी। एक मिनट, जब दो आदमी मिलके जैसे ब्लॉगिंग अच्छा हैंडल करना इनको आता, मुझे नहीं आता है, ठीक है ना, मैं इनका सपोर्ट करता हूँ सब चीज़ों में। तो मैं धीरे धीरे, पहले तो कर भी नहीं पाता था, हाथ भी नहीं उठा पाता, अब तो बहुत सा ऐसा हो गया है कि हम कर लेते हैं। और पूरे दिन भर मैं भी बाहर रहता हूँ, आता हूँ जाता हूँ, उसमें फिर कैमरा तो घर के काम में भी इन्वॉल्व रहते, तो मैं बोलती हूँ इन्वॉल्व है, तो कुछ कुछ बताते रहे कि मैं ये कर रहा हूँ, इन्वॉल्वमेंट कुछ तो थोड़ा बहुत किया है मैंने, जानू थोड़ा बहुत किया, बहुत ही किया, थोड़ा नहीं हो पाता, मैं खुद डल पड़ जाता हूँ। चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि आप नहीं रहती हो तो मेरे अंदर भी वो ताजगी नहीं रहती है। मुझे दोस्त इस चक्कर में कि जब ब्लॉगिंग करते ना तो मुझे मोबाइल के इनके पिछवाड़े में घुसना पड़ता है, ये कभी मतलब कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है। ठीक, कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। हाँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, और पहले दोस्तों हर इंसान जैसा नहीं होता, उनको थोड़ा नहीं वो कर पाते, कोई बात, ठीक है, मैं हैंडल करती हूं, जो चीज ये करते तो ये पूरी तरह से हैंडल करते, तो कोई दिक्कत नहीं, चले माफ करिए। तो आई होप दोस्तों कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए अगर आपकी कोई राय है तो, और बेल आइकन देखा आपने, लाल रंग का घंटा होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि आने वाले ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।